नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा और इस ट्वीट के उत्तर में एक ट्वीट में भी मैंने इसी बात का उल्लेख किया कि ये पिछले कुछ दशकों से कश्मीर केंद्रित राजनीतिज्ञों का एक राजनीतिक व्यवहार का और उनके एक रवैये का हिस्सा बन चुका है। जब वो सत्ता में होते हैं तो भारत का टूट अंग बताते हैं कश्मीर को, भारतीय संविधान की शपथ भी लेते हैं, और जो ही वो सत्ता से हट जाते हैं तो रातों रात उन्हें ज्ञान उदय होता है, फिर उन्हें कश्मीर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर उन्हें पाकिस्तान और इस्लामाबाद की सरकार में बहुत से गुण भी नज़र आने लगते हैं, और अगर इन्हें फिर से सत्ता में बिठा दिया जाए तो फिर से भारत माता की जय कहेंगे। लेकिन कश्मीर का आम आवाम विशेषकर युवा अब जागरूक हो चुका है। ये तीसरी पीढ़ी है 1990 के बाद की जन्मी पीढ़ी, वो इस दोहरी राजनीति के झांसे में नहीं आने वाले, जिसके परिणाम स्वरूप एक दो परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना खानदानी राज चलाया है प्रजातंत्र की आड़ में। हम ना भूलें ये केवल एक पार्टी तक ही सीमित नहीं है, पीडीपी तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ऐसे ही चरित्र रहा है। जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे तो बार बार ये कहा करते थे और केंद्र के साथ शिकायत करते थे कि आतंकियों के प्रशिक्षण कैंप जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, उन पर बम्बार्डमेंट क्यों नहीं की जाती, और अब जब सत्ता से बाहर है तो वो क्या कह रहे हैं हम सब जानते हैं।